लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था ना, वो ये एडियाबेटिक डक्ट फेड बाय कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। हमने पढ़ा था एक डक्ट है और उसको हम जो इनलेट दे रहे हैं वो एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल से उसको इनलेट दे रहे हैं। अब हम बैक प्रेशर में क्या चेंजेस करें कि जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट फ्लो कंडीशन इसके अंदर आ रही होती है। हमने तकरीबन इसके अंदर चार, और ये चार फ्लो कंडीशन पढ़ी जिसके अंदर हमने। पहली फ्लो कंडीशन कहती है नो फ्लो कंडीशन, इसमें प्रेशर दोनों सेम है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, आपके पास सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन है, इसमें आपके पास जो मॉक नंबर है वो वन, वो इसके अंदर आपके पास चोकिंग नहीं होती दूसरे वाले में, जो कि यहाँ तक होता है, ये थ्री तक होता है, यहाँ तक कोई चोकिंग नहीं होती। फिर अगर मॉक नंबर हम प्रेशर और कम कर दें इससे, बल्कि यहाँ तक ही है सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा है, इसको सब क्रिटिकल फ्लो, इस पूरे रीजन में ना चोकिंग नहीं होती हमारे पास। हमारा पास सिंपल एक डक्ट है, उसमें ऐसा ऐसा मॉक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है लेकिन चोकिंग नहीं होती, मॉक नंबर वन तक नहीं पहुंच पा रहा होता। फिर एक मखसूस टाइम प्रेशर होता है, अगर उस तक पहुँचे तो हमारी चोकिंग होती है, ये चोकिंग होगी यहाँ पे। फिर अगर उससे हम और प्रेशर कम करें तो हमारे पास इस जो हमारे पास डक्ट हो जिसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही डक्ट से बाहर निकलते हैं ना तो हमारे पास वहाँ पर एक सब क्रिटिकल रीजन बन जाता है, जैसे बोलते हैं कि अंडर एक्सपेंशन हो रही थी हमारे पास यहाँ पर। तो लास्ट टाइम शुरू में पड़ा था, अभी इसका सवाल आया हुआ है, सवाल में क्या लिखा हुआ है, एयर एट, ये इसी का सवाल है, इसी क्वेश्चन का सवाल है, इसकी डायग्राम नीचे बनी हुई है। इसमें लिखा हुआ है एयर एट स्टैग्नेशन टेम्परेचर 400 केल्विन एंड स्टैग्नेशन प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल। अब ये एयर है, ये नोजल से पहले की बात की जा रही है। हमने क्या पढ़ा था, ये डक्ट से पहले नोजल होगा ना, ये नोजल है, नोजल से पहले आपके पास जो स्टैग्नेशन टेम्परेचर, आपको जो स्टैग्नेशन प्रेशर है वो दोनों वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे। आपके पास नोजल से पहले आपको ये कंडीशन गिवन है, प्रेशर टेम्परेचर इज सप्लाइड टू अ कॉन्स्टेंट एरिया इंसुलेटेड डक्ट थ्रू एन आइसोट्रोपिक कन्वर्जिंग नोजल। अच्छा, इसमें आपको अभी तक बताया नहीं गया, आपको अभी तक बताया नहीं गया कि हमारा फ्लो है वो कौन सा फ्लो है। आया इसमें एरिया के चेंज होने की वजह से हमारे पास मार्क नंबर चेंज हो रहा है, ये वो वाला फ्लो है, या हमारे पास, देखो हमारे पास जो तीन किस्म के हमने फ्लो पढ़ने हैं सी एफ पी एस के अंदर। पहला वो फ्लो है जिसमें हमारे पास एरिया चेंज हो रहा होगा, और एरिया के चेंज होने की वजह से ना हमारे पास कंडीशन चेंज होंगी, ये पहला किस्म का फ्लो होता है जो हम चैप्टर 4-5 में पढ़ चुके हैं। दूसरा फ्लो होता है जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस की वजह से, जैसे डक्ट है ना, डक्ट के अंदर हमारे पास फ्लो फ्लो कर रहा है, उस फ्लो डक्ट की रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, चैप्टर 6 में वो पढ़ लें हम। चैप्टर 7 में ना हमारे पास हीट ट्रांसफ़र की वजह से, कि हमारे डक्ट से हीट ट्रांसफ़र होगा इन या आउट, उसके वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पे एक कांस्टेंट एरिया डक्ट है, मतलब चैप्टर 4-5 से सवाल नहीं है, और दूसरा इंसुलेटेड डक्ट है, मतलब हीट ना अंदर आ रही ना बाहर जा रही है, मतलब चैप्टर 7 से भी सवाल नहीं है। तो एक ही किस्म का फ्लो बचता है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हीट, जो हमारा मैकेनिज्म चल रहा होता है, जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस आती हैं वो सारी फ्रिक्शन की वजह से आती है। तो इससे मैंने दादा हुआ चैप्टर 6 से सवाल आया हुआ है। तो इस सप्लाइड टू अ कांस्टेंट एरिया इंसुलेटेड डक्ट थ्रू एन आइसेंट्रोपिक कन्वर्जिंग नोजल, तो एक कन्वर्जिंग नोजल है जिसको इनलेट पे कंडीशन ये है, आपको एक डक्ट पे सप्लाई किया जा रहा है वो नोजल। आगे देखते हैं, द डक्ट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.04 मीटर एंड अ लेंथ ऑफ दिस। तो आपको जो डक्ट है ना उसकी प्रॉपर्टीज गिवन है, डायमीटर उसका कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट, और लेंथ उसकी 8.5 मीटर है। एंड इज डिस्चार्जिंग टू एटमोसफेयर विद अ प्रेशर ऑफ दिस 100 किलो पास्कल। अभी इसका बैक प्रेशर उन्होंने बोला है, ये डिस्चार्ज हो रहा है इतने किलो पास्कल, मतलब ये इसका बैक प्रेशर गिवन है हमें, डायग्राम गिवन है आपको, डायग्राम गिवन है उन्होंने, बैक प्रेशर गिवन है कि जो भी ये डक्ट जहाँ पर डिस्चार्ज होती है ना वहाँ का प्रेशर अभी इतना है। अज्यूम अ फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ दिस, ये फ्रिक्शन फैक्टर है हमारे पास ना, एक ग्राफ इसमें हम लोग इस चैप्टर में या इस वाले फ्लो में, फैनो फ्लो के अंदर हम लोग टेबल नंबर ये यूज़ करते हैं एफ, और इसमें एक पैरामीटर होता है ये एफ एल मैक्सिमम, ये पैरामीटर है 4 × F, ये एफ है ना फ्रिक्शन फैक्टर होता है, एल मैक्सिमम अपॉन डी, इस पैरामीटर में जो एफ है ना ये फ्रिक्शन फैक्टर है, वो वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, ये वो फ्रिक्शन फैक्टर है वो गिवन है हमें। तो ये क्वेश्चन है, इस पर हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द इनलेट एंड एग्जिट मार्क नंबर। ये डक्ट है, डक्ट के इनलेट पे मार्क नंबर क्या होगा और डक्ट के
एग्जिट मार्क नंबर का पहली बात ये पता करनी है हमें, डिटरमाइन द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ द डक्ट। तो आपको डक्ट के एग्जिट पर अगर आप मार्क नंबर निकाल लोगे तो प्रेशर टेम्परेचर निकाल लोगे, मुश्किल नहीं है, निकाल सकते हो। डिटरमाइन द मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट थ्रू आउट, अगर एक डक्ट की बात चल रही है मास फ्लो रेट आपका सेम रहेगा, चाहे मास फ्लो रेट आप यहाँ निकाल लो या चाहे अपना मास फ्लो रेट आप यहाँ निकाल लो, दोनों सूरतों का मास फ्लो रेट सेम रहेगा। तो आपसे ये सवाल है आखिरी आपके पास कि इस प्रोसेस को ना टी एच डायग्राम में अपने शो करना है कि प्रोसेस कैसा हुआ हमारा। सवाल समझ आया? हाँ। अच्छा, सबसे पहले ना इसमें जो भी हमारे पास ये वाले फ्लो है ना, फैनो फ्लो, इसमें हमारा सबसे जो मेन जो पैरामीटर होगा वो ये पैरामीटर होगा हमारे पास, इसी की रिस्पेक्ट से ना हम मार्क नंबर वगैरह सब कुछ निकाल लेंगे। अच्छा, होता क्या है, इस पैरामीटर से जो हम मार्क नंबर निकालते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे पैरामीटर गिवन है, मेरी इसकी वैल्यू ये आ रही है 1.182। अब इसके रिस्पेक्ट से जो मैं मार्क नंबर निकालूंगा ना, वो मार्क नंबर हमेशा इनलेट का होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी ट्यूब है, ये मेरी ट्यूब है, इससे कोई ना कोई लेंथ है, इसकी लेंथ फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर है और इसका डायमीटर फॉर एग्जाम्पल 0.05 मीटर है और इसका जो फ्रिक्शन फैक्टर मुझे गिवन है 0.56 गिवन है फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो इस सब को यूज़ करके जो मैं ये फॉर्म ये वाली वैल्यू निकालूंगा ना, 4 फ्रिक्शन फैक्टर इंटू लेंथ, ये मैक्सिमम लेंथ जितनी भी दिए हुए हमें, डिवाइड बाई डायमीटर, जो भी वैल्यू निकालूंगा, कोई फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू ये आ रही है। अब इस वैल्यू पे जो मैं मार्क नंबर निकालूंगा ना, ये मार्क नंबर हमेशा हमारे डक्ट का इनलेट का मार्क नंबर होगा। पहली बात तो ये नोट करने की है, इस वैल्यू के रिस्पेक्ट से जो भी मार्क नंबर निकालूंगा मेरे, वो मेरा मार्क नंबर डक्ट के इनलेट का मार्क नंबर होगा, सही है। तो एक और चीज़, अच्छा अभी तक ना हमें इसमें ये पता नहीं है कि हमारे पास जो फ्लो है वो चोक है कि नहीं, हमने पीछे शुरू में ना ज़ूम किया हुआ है अपनी सॉल्यूशन को प्रोसीड करने के लिए, सही है। यहाँ पे ना स्टार्टिंग में आपको ज़ूम करना पड़ेगा, क्योंकि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना वो चोकिंग कंडीशन है, हमने सपोज किया है कि हमारे पास जो फ्लो है ना वो एग्जिट पर चोक हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास चोकिंग हो रही है। तो अगर यहाँ पे चोकिंग हो रही हो, मतलब हमारे पास जो एग्जिट का मार्क नंबर होगा 1 होगा, हमने भी लेट किया होगा, सही है, क्योंकि हमारे पास और कोई रेफरेंस नहीं था ये चीज़ निकालने के लिए, सही है। हमने अपना रेफरेंस लिया कि हमने सब बोले लेट कर लो कि हमारा जो मार्क नंबर है ना वो एट द एग्जिट पर चोकिंग हो रही है, अभी इसको प्रूफ करते हैं बकायदा कि वाकई में हो भी रही कि नहीं। फिर हमने ना अगर ये चीज़ हमने कर ली है तो हम ये पैरामीटर निकाल सकते हैं 4FL मैक्सिमम अपॉन D, ये जो पैरामीटर होता है ना इसके बराबर हो जाता है। अच्छा, ये 4L मैक्सिमम अपॉन D का मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है आपकी लेंथ थी, सही है, इस लेंथ पे अगर इसके एग्जिट पे चोकिंग हो रही है, आपकी लेंथ थी फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ है आपकी, अगर बिल्कुल इसके एग्जिट पे हमारे पास यहाँ पे अगर चोकिंग हो रही है तो हमारा ये पैरामीटर होता है ना, ये जो पैरामीटर होता है इसमें हम लेंथ होती है वो लेंथ मैक्सिमम होती है, एल मैक्स आया था, सही है। अगर यहाँ पे चोकिंग नहीं हो रही तो ये फिर एल मैक्स नहीं आता, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है ना, ये जो चार्ट हमें गिवन है, इसमें जो लेंथ है वो मैक्सिमम यूज़ की गई है, इसलिए हमने शुरू में अजम्पशन ली हुई है कि लेट कर लो कि चोकिंग हुई है तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर हमने लेट कर लिया तो। अगर हम लेट ना करें तो हम इस वाले पैरामीटर को, जो पैरामीटर है उसको हम इसके बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो क्या होता है, लेंथ मैक्सिमम ना हो, इसलिए हमने जूम किया हुआ तो लेट कर लो कि हमारी चोकिंग यहाँ पर हो रही है, अगर यहाँ पर चोकिंग हो रही है तो अभी हमारी लेंथ है वो लेंथ मैक्सिमम है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक पाइप था और मेरी चोकिंग यहाँ पर हो रही है, मेरी चोकिंग जो हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, तो इस वाले केस में एल मैक्स ये हो जाएगा, सिर्फ ये एल मैक्स होगा, इसके इजाफे जो एल होगी ना वो हमारे पास लेंथ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पर चोकिंग नहीं हो रही, इसका एल मैक्स निकाला तो वो ज़्यादा आ रहा था, कभी कभी एल मैक्स ज़्यादा भी होता है, जितनी लेंथ थी इतने में एल मैक्स नहीं, एल मैक्स मेरा ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो उसमें फिर अलग केस होता है। इसमें 3 से 4 केस है, पहला केस ये है कि लेट कर लो कि और लेट करके आप ये काम कर लो, दूसरा केस भी होता है हमारे पास ना एल मैक्स अपनी लेंथ से ज़्यादा बड़ा आ रहा होता है, ये आगे देखेंगे कैसे होता है, और तीसरा केस क्या होता है कि एल मैक्स जो है वो ट्यूब के अंदर ही आ रहा है, आगे इजाफी लेंथ हमारे पास बच रही है। अभी सिंपल सवाल है, इसमें ये हमने लेट कर लिया कि हमारे पास सपोज कर लो कि लेंथ मैक्सिमम अचीव हो रही है, तो हमने ये फार्मूला लिया
अजम्पशन क्या किया हमने कि एम्ब्रॉयलर लेट कर लो कि हमारे एट द एग्जिट पे ना हमारे पास मार्क नंबर वन अचीव हो रहा है, तो ये फार्मूला हमने लगाया। इसमें एफ पता है, एल मैक्स हमने पूरी लेंथ को हमने बोल दिया कि एल मैक्स है, हमने बोले लेट कर लो यहाँ पे चोकिंग हो रही है, तो इसको हमने एल मैक्स ले लिया। एफ डी पता था, सारी वैल्यू रखी है मेरे पास, ये आंसर आ गया। अब इस वैल्यू पे हम जो मार्क नंबर निकालेंगे ना, अगर मैं टेबल पे आता हूँ, 0.85 तकरीबन यही है, इस पे तो मार्क नंबर निकल रहा है 1.9 का लगा है, 0.8 ये है मेरे पास। अच्छा इसमें ना जो हमारे पैरामीटर्स के दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू वो जैसे मार्क नंबर हमारे पास सबसोनिक है, और एक वैल्यू 0.85 की जिससे मार्क नंबर सुपरसोनिक भी है, ये 0.85 की रेंज है, इससे मार्क नंबर सुपरसोनिक भी है। तो मैंने मार्क नंबर सबसोनिक क्यों ले रहा हूँ मैं, इसकी वजह ये है कि मुझे पता है अगर यहाँ मेरे पास अगर यहाँ पर चोकिंग हो भी रही है, अगर यहाँ पर चोकिंग हो रही है, तो लास्ट में यहाँ से जो इनलेट मेरे पास आया होगा वो मार्क नंबर कम आया होगा, फिर फ्लो करते करते मार्क नंबर वन सुपरसोनिक यहाँ पे अचीव हुआ होगा। सही है, अब ये गमशन है यहाँ पे। तो इस वाली वैल्यू पे मैंने मार्क नंबर ये निकाल, इस वाली वैल्यू पे मैंने मार्क नंबर निकाला 0.53, जो कि ये आ गया 0.8, तकरीबन 0.51 ले लेंगे इसमें, 0.53 ले लिया, ये मार्क नंबर आ गया। अच्छा अब इसी मार्क नंबर आपने टेबल सी पर गए, और टेबल सी पे आपने पी आई अपॉन पी नॉट निकाल लिया, क्योंकि आपके पास इनिशियली ना आपको स्टैग्नेशन प्रेशर गिवन है, आप इसके रिस्पेक्ट से आपको जो इनिशियल प्रेशर होगा ना यहाँ पे वो निकाल लिया आपने, तो टेबल सी पे आपने यहाँ पे जाके ये चीज़ भी निकाल ली। सही है। अच्छा दूसरा, अब हमने ये निकाल लिया, अब हमें पता है जो थ्रू आउट हमारे पास जो जो क्रिटिकल मार्क नंबर ये, अब इसी मार्क नंबर पर हमारे अपेंडिक्स ई से ना, इसी अपेंडिक्स पे 0.53 पे हमारे पास एक क्वांटिटी होती है पी अपॉन पी स्टार, हमने वो भी निकाला यहाँ पे। इससे हमने ना वो प्रेशर निकाल लिया, इससे हमने पी स्टार निकाल लिया। ये पी स्टार वो प्रेशर है जहाँ पे हमारी अभी चोकिंग हो रही है, हमने कैलकुलेट किया था कि हमारी चोकिंग यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर, और ये पी स्टार वो प्रेशर है जहाँ पे हमारी पूरी डक्ट चोकिंग हो रही होती है। देखो सवाल सिंपल है, थोड़ा मुश्किल करके समझा रहा हूँ मैं, सिंपल है। करना क्या, सबसे पहले स्टेप ये है आपको ये पैरामीटर निकालना होता है, इसके बाद इसके रिस्पेक्ट से मार्क नंबर निकाला। मार्क नंबर पे ना आपने करना क्या है, सारे प्रेशर निकालने हैं इस स्टेज पे। आपने पी नोट आपको गिवन था पहले से ही, आपने पी वन निकाल लिया, सही है, इस वाले पॉइंट पर आपने प्रेशर निकाल लिया। जब इस पॉइंट का प्रेशर आया ना, आपने इसके रिस्पेक्ट से जो ट्यूब में जहाँ जहाँ पर आपकी चोकिंग हो रही है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर चोकिंग हो रही है, आपने वाला प्रेशर निकाल लिया। सही है, मतलब आपने आपकी चोकिंग अगर यहाँ पर हो रही है तो आपने प्रेशर निकाल लिया। चोकिंग जो हो रही है वो 1.123.2 किलो पास्कल पर चोकिंग हो रही है, और हमारे पास जो हमने बैक प्रेशर हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 100 किलो पास्कल है, मतलब चोकिंग इस प्रेशर पे हो रही है और हमारा प्रेशर यहाँ पर है, हमने जो बैक प्रेशर ये दिया हुआ है। तो हमारी अजम्पशन ठीक थी, हमने जो अज्यूम किया था ना कि लेट कर लो कि हमारे पास जो है स्लो चोक है, हमने अज्यूम किया था कि लेट कर लो हमारा फ्लो जो है वो चोक है, तो हमारा फ्लो वाकई में चोक ही है। वहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वो 1.23 आ रहा है, ये प्रेशर है, इस पर चोकिंग होती है, और एक्चुअल जो हमने प्रेशर दिया हुआ 100 दिया हुआ, ये रहा। तो मतलब हमने जितने भी चोकिंग होती है उससे कम प्रेशर दिया हुआ, मतलब चोकिंग लास्ट में अंदर चोकिंग हो रही है। तो इससे हमारी एक बात क्लियर हो गई कि अंदर चोकिंग जो है वो हो रही है, हमारी अजम्पशन वो ठीक थी। यहाँ तक क्लियर है? सही है। जो पार्ट नंबर वन था ना, पार्ट नंबर वन में करना क्या था, हमें इनलेट का मार्क नंबर निकालना था और हमने एग्जिट का मार्क नंबर निकालना था। हमने एग्जिट का तो वन सपोज कर ही लिया था, वो निकला हुआ है, और इनलेट का भी हमने निकाल लिया, अपने सोल्यूशन के दौरान ही पार्ट नंबर हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा बुक में तो बाद में हमारे पास 49 के बाद बुक में और पेजेस नहीं है, 54 आ रहा है, तो इसके मैंने पिक्चर ग्रुप में भेज दी है, 50 पेज नंबर ये है।
तो ये वो बात लिखी हुई है जो मैंने बताया कि हमारे पास जो प्रेशर आ रहा है 123.2 आ रहा है, जो कि हमारे पास बड़ा है 100 से। तो हम जैसे मैंने डायग्राम में बताया था, हमारे पास ये वो प्रेशर के अंदर चुकिंग हो रही है, हमने प्रेशर जो हमारा एक्चुअल प्रेशर है वो कम ही है, तो लाजमी अंदर चुकिंग हो रही होगी। तो हमारा प्रेशर जब हमने बोले हेल्थ जो हमने शुरू में जो सपोज किया था ना हमने, वो हमारी अजम्पशन ठीक थी, और हमने उसमें सपोजिशन जो हमने मार्क नंबर निकाला मार्क नंबर यही है, तो एक्विड का मार्क नंबर ये आ गया और इलनर का मार्क नंबर ये आ गया, तो पार्ट नंबर ये हो गया। पार्ट नंबर का डिटरमाइन द प्रेशर टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ द डक्ट, ये एग्जिट है, हमने इसका प्रेशर टेम्परेचर निकालना है। देखो प्रेशर तो पहले हमने निकाल लिया क्योंकि एग्जिट यहाँ पे है और यहीं पे चोकिंग हो रही है, तो हमने प्रेशर इसका निकाला हुआ है 123.2, तो ये भी हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, चोकिंग हमारी हो रही है, हमने प्रेशर का निकाल लिया। अब बात रही यहाँ के हमें यहाँ का टेम्परेचर निकालना है, हमने यहाँ का हमने टेम्परेचर निकालना है। अच्छा थ्रू आउट हमारे पास क्योंकि यहाँ पे डक जो है वो इंसुलेटेड है, तो हीट टेम्परेचर का लॉस इतना आपस होगा नहीं, जो आपका स्टैग्नेशन टेम्परेचर यहाँ पर होगा ना वही आपका स्टैग्नेशन टेम्परेचर थ्रू आउट आपके फ्लो के दौरान होगा, तो आपका टी नोट यहाँ सेम होगा। तो टेबल नंबर सी पे जाओगे मार्क नंबर वन पे ना, आप टेबल नंबर सी पे जाके मार्क नंबर वन पे आप टी ई अपॉन टी नोट की वैल्यू निकालोगे, टी नोट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फ्लो, आप टी नोट यहाँ पुट करोगे और आप टी निकाल लोगे। इसी तरीके से अगला चीज़ है मार्क नंबर, अब मास फ्लो रेट निकालना है, मास फ्लो रेट चाहे तो आप इस वाले पॉइंट पे निकाल लो चाहे इस वाले पॉइंट, क्योंकि टेबल नंबर सी पे ना, टेबल नंबर सी में एक वैल्यू होती है मार्क नंबर निकाल मास फ्लो रेट निकालने की, ये टेबल सी है ना, इसमें ये वैल्यू होती है मास फ्लो रेट निकालने के लिए। तो हमने मार्क नंबर 0.53 पे हमने ये वैल्यू निकाली, और इस वैल्यू में सब पता था हमें, हमें एरिया पता था, एरिया सब थ्रू आउट द कॉन्स्टेंट है, हमें स्टैग्नेशन टेम्परेचर पता है, स्टैग्नेशन प्रेशर पता है, और हमें आर की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू इनपुट किया से मास फ्लो रेट निकाल लिया, पार्ट नंबर सी भी हो गया। अच्छा मास फ्लो रेट लाजमी नहीं यहीं पर से निकालो, आप मास फ्लो रेट एट मार्क नंबर वन भी निकाल सकते हो, मार्क नंबर वन पे से कोई दूसरी वैल्यू आ रही होगी उस पर आपने एरिया पुट करना, एरिया आपका सेम रहेगा, बाकी सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका सेम आंसर आ रहा होगा, सही है। और लास्ट चीज़ आपको प्रोसेस जो है दिखाना है अपने टीएच डायग्राम में, तो टीएच डायग्राम ये भी बनी हुई है, देखो ये इसको बोलते हैं फेनो लाइन, ये हमने फेनो लाइन बनाई है। अब है क्या, शुरू शुरू में हमारे पास फ्लो आ रहा था, ये जो हमारा फ्लो है ना ये आइजेंट्रॉपिक फ्लो है, ये फ्लो हमारा नोजल वाला फ्लो है, नोजल में फ्लो आइजेंट्रॉपिक होता है, ये उसको जाहिर कर रहा है नोजल वाला फ्लो, नोजल में फ्लो हो गया, अभी डक्ट वाला फ्लो है, डक्ट के अंदर हमारे पास फैनो फ्लो होता है, और फैनो फ्लो फैनो लाइन के अंदर होता है। शुरू शुरू में डक्ट जो थी यहाँ पे हमारे पास सब सोनिक है, तो सब सोनिक हमारे पास लाइन के ऊपर आता है, इस सेंटर इस पॉइंट से सब सोनिक ऊपर होता है, सुपर सोनिक नीचे होता है, तो हमारा पहला पॉइंट हमने ये ले लिया, अभी फ्लो हमारा यहाँ पर है, और फ्लो आहिस्ता आहिस्ता सोनिक की तरफ जा रहा है, एट द एंड हमारे पास जो फ्लो है वो सोनिक बन जाता है या मार्क नंबर वन अचीव हो जाता है। देखो हमारा फ्लो ट्रांसफर हो गया, ओके हमारा फ्लो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, यहाँ पे आके एग्जिट हो गया, तो यहाँ पे हमारा मार्क नंबर वन अचीव हो रहा है, इसको बोलते हैं चोकिंग होगी यहाँ पे हमारी, तो ये इसको हमने ऐसे ग्राफ में शो कर दिया टीएच डायग्राम में। न्यूमेरिकल क्लियर हुआ, हेलो आवाज़ आ रही,